गुजरात के बड़ौदा शहर में दिव्य भास्कर के 18 साल पूरे होने पर दिव्य भास्कर की ओर से समाज सेवा का कार्य किया गया। जी हाँ, इसमें खास तौर पर बड़ौदा वासियों की सुखाकारी, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए श्री धन्वंतरी विष्णु याग का आयोजन किया गया था, जिसमें 21 फुट के विशाल यज्ञ कुंड का निर्माण किया गया। और इसी यज्ञ कुंड में बड़ौदा शहर के विभिन्न विस्तारों के नागरिकों ने आकर आहुति दी थी। जी हाँ, 51 जितने भूदेव ब्राह्मणों की और से इस में पूजा अर्चन करवाया गया था, और साथ ही में जो बड़ौदा वासियों की सुखाकारी, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए ये पूरा आयोजन किया गया। दिव्य भास्कर के 18 साल पूरे होने पर आयोजित इस श्री धन्वंतरी विष्णु याग में खास तौर पर गुजरात राज्य के महिला और बाल विकास मंत्री मनीषाबेन वकील समेत साई समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल के साथ पूर्व काउंसिलर जो वहाँ के विस्तार के हैं वो है राजेश आयरे समेत के लोगों की उपस्थिति वहाँ पर दर्ज की गई थी। और साथ ही में कांग्रेस के बड़ौदा शहर के प्रमुख ऋत्विज जोशी के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव समेत के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी वहाँ पर देखी गई थी। श्री धन्वंतरी विष्णु याग के जरिए दिव्य भास्कर की ओर से बड़ौदा वासियों को एक तरह से उनका आभार व्यक्त किया गया था, और साथ ही में बड़ौदा वासियों की सुखाकारी, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए पूजन अर्चन किए गए थे। इस पूरे आयोजन के अंदर जो यज्ञ किया गया उसमें दिव्य भास्कर के बड़ौदा शहर के जो कार्यालय है उनके सभी कर्मियों की उपस्थिति वहाँ पर जुड़ी थी, और वो खुद सपरिवार के साथ इस यज्ञ में जुड़े हुए थे। साथ ही में इस पूरे आयोजन के बारे में दिव्य भास्कर के बड़ौदा शहर के जो एडिटर है उनकी ओर से ज्यादा जानकारी दी गई थी। वडोदरा वासियोनी सुखाकारी, समृद्धि अने स्वास्थ्य माटे दिव्य भास्कर द्वारा एक महायज्ञ धन्वंतरी विष्णु याग नु आयोजन करवामां आव्युं छे। आ यज्ञ नी विशेषता ए छे के जेमां विशाळ 21 फूट नो कुंड छे, यज्ञ कुंड छे। दरेक શહેરીજન અહીંયા આવી અને સ્વહસ્તે આહુતિ આપી શકશે। વડોદરાના લોકોના કલ્યાણ માટે આ યજ્ઞનું આયોજન કરાયું છે, અને દરેકને અમારું આહવાન છે, અમારી અપીલ છે કે આપ આવો અને તમારી જાતે એક આહુતિ આપો વડોદરા માટે, વડોદરા વાસીઓ માટે।